बाबा और माँ के सभी भक्त और शिष्य सभी लोग जुड़ते हैं। दरबार से जुड़े प्रत्येक भक्त सब जुड़ते जाए, इस पर जरूरी सूचना है जो माता के संबंध में, माता के संदर्भ में देनी है, महापर्व से संबंधित। सभी लोग प्रेम से बोलिए, सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करोड़ी शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। सभी लोग ध्यान देंगे, कि प्रत्येक वर्ष की भांति माँ कामाख्या का जो महापर्व है 22 जून से और 25 जून तक मनाया जाता है। जो प्रवृत्ति काल होता है माता की, जो प्रवृत्ति काल है वो 22 जून से शुरू होती है और 26 जून को प्रातः निवृत्ति होती है। अर्थात यह जो 4 दिन है पूरे माँ के जो पट हैं 4 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। ये 4 दिन के पट बंद होते हैं, माता के पट जब बंद हो जाते हैं तो पूजा अर्चना सब स्थगित हो जाती है। यह 4 दिन सृजन के काल हैं, कुछ लोगों ने विध्वंस के काल भी कहते हैं, लेकिन असल में यह सृजन का काल है। इस बात को सभी को समझना चाहिए। सृजन और विध्वंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हें सृजन दिखता है, जो निगेटिव लोग हैं उन्हें विध्वंस दिखता है। जैसे दरबार ने पुराने वीडियो देखे तो मेरे द्वारा एक घोषणा की थी 3 महीने पहले करीब, 3 महीने 4 महीने पहले के वीडियो पड़े हुए हैं देखिए, जिसमें मैंने बातचीत के क्रम में बार बार कहा है कि ऐसा रोग आने वाला है, ऐसा संकट आने वाला है कि व्यक्ति की मृत्यु खड़े खड़े 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म और आदमी चट से गिरा और कोई ये भी नहीं बता पाएगा डॉक्टर कि रोग क्या था, रोग की भी जांच नहीं कर पाएगा डॉक्टर, चिकित्सा तो मिल ही नहीं पाएगी। क्यों? जब मृत्यु ही 2 से 3 मिनट में हो जाएगी तो कहाँ से चिकित्सा मिल जाएगी। आज आप देख रहे होंगे कि शमशान घाटों पे धीरे धीरे कतारें लाशों के लगने लग गए हैं ढेर, धीरे धीरे पूरे विश्व में। एक मजहब है जिनके सबसे बड़ा अपना स्थान मानते हैं तीर्थ का, वहाँ भी देखिए 500-500 लोग की न्यूज आ रही है, हुए तो हजारों लोग बने होंगे, जिसमें करीब 100 भारतीय हैं, उनके लिए भी उनकी मृत्यु की खबर आई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, दरबार उनके लिए प्रार्थना करता है कि उनको शांति मिले, उनके परिवार के लोगों को भी शांति मिले, शक्ति दे ईश्वर इस कष्ट को, इस दुख को झेलने के लिए। तो ये जो चल रहा है कालखंड इसे रोका भी जा सकता था, लेकिन इस सब को रोकने के लिए जो राजा होता है उसको उसका संकल्प जरूरी होता है, उसके बिना नहीं होता है। लेकिन इसकी सूचना, ये होने वाले रोग की, इस आपदा की, इस विपत्ति की सूचना दरबार ने 3 से 4 माह पहले दे दिया था। खूब यूट्यूब पर पड़े हुए हैं वक्तव्य मेरे द्वारा, दरबार ने सूचना दी कि ये बड़ा संकट आने वाला है। ऐसा मैंने देश के तमाम प्रबुद्ध लोगों को मैंने दिखाया, प्रैक्टिकल में दिखाया,
सामने करके दिखाया कि जब मैंने उसमें डाला तो उसकी तत्काल मृत्यु होने लगी मिनट भर में। तो दरबार ने काफ़ी संभाल के रखने की कोशिश भी की है। जो भी दरबार कर सकता है उसके लिए प्रार्थना करता है कि सब शुभ हो और सभी सुरक्षित हो। आप सब लोग ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करके अपने को बचा के रख सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आप ही की प्रार्थना की शक्ति वो आपको फलित होती है। सबसे बड़ी शक्ति इस संसार में आपकी प्रार्थना और संकल्प की शक्ति से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। तो आप सभी लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग इस संकट से उभर के सामने आए और जल्दी से इस संकट से बचत हो, क्योंकि ये छोटा संकट नहीं है, ये बड़ा संकट है। किसी के घर का व्यक्ति, प्रियजन घर से बाहर निकला, बाहर निकलते मृत्यु, पता लगे बाहर से गए रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे हैं, वहाँ बैठे बैठे मृत्यु। लोग ड्यूटी पर खड़े हैं, खड़े खड़े चक्कर खा के गिर के खड़े खड़े मृत्यु। तो बहुत दुख का विषय भी है, चिंता का विषय भी है। पूरा दरबार इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस त्रासदी से लोग निकले बचे। उसी क्रम में कहना चाहेंगे कि माता कामाख्या का जो प्रवृत्ति दिवस है वो कल है, प्रातः 22 जून है 2024। उसमें कल माता का पूजन हो करके प्रातः काल 9 बजे के अंदर अंदर माता का अच्छे से खूब पूजन करके, हाँ, और उसके बाद माता को लाल वस्त्र से ढक देना है। माता को लाल वस्त्र से ढक दिया, लाल वस्त्र से, और कलावा होता है लाल जो हाथों माना जाता है, उस कलावा से चारों उस वस्त्र को लपेट दिया, बांध दिया, ताकि कपड़ा खुले नहीं। फिर ये कल 22 तारीख को होगा प्रातःकाल प्रवृत्ति जब शुरू होगी, निवृत्ति होने तक, निवृत्ति कब होगी, 26 जून को होगी प्रातःकाल। प्रातःकाल 8 बजे से और 9 बजे के अंदर अंदर निवृत्ति काल जरूर हो गया। माता को फिर सारे फिर से पुण्य से खोल करके वस्त्र हटा करके माता को स्नान आदि करा करके माता को बढ़िया जल से, गंगा जल हो तो गंगा जल, जमुना जी का जल हो तो जमुना जी का जल, पवित्र नदियों के जल से स्नान करा करके, दूध से स्नान करा करके फिर माँ को जल से स्नान करा करके और माता को हल्दी वोली आदि का लेपन करके और माता को पुष्पादि अर्पित करके भोग लगा करके माँ को माँ की आरती करके और फिर से पूजन विधिवत उसी दिन की तरह शुरू हो जाएगा। हाँ, जैसे हमेशा करते आए हैं वो सारे पूजन माँ की आरती करके शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे शुरू हो जाएंगे, फिर से पूजन शुरू होगा। तो ये 4 दिन पूजन माँ का नहीं होगा, 22, 23, 24, 25 पूजन नहीं होगा। 26 को जब निवृत्ति होगी, माँ के पट खुलेंगे जब प्रातःकाल, तो फिर आप उसका पूजन माँ के कर सकते हैं, फिर हमेशा की तरह चलता रहेगा। यह 22 जून क्यों विशेष है? 22 जून इसलिए विशेष है कि इसी 21 तारीख की रात से, यानी 22 जून से दिन धीरे धीरे करके छोटा होना शुरू होगा। प्रतिदिन दिन छोटा होता जाएगा, छोटा होते 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 24 दिसंबर तक सबसे छोटा दिन होगा। फिर जब 25 दिसंबर आएगा तो पहला दिन होगा बड़ा दिन, बोलते हैं ना बड़ा दिन, 25 दिसंबर क्रिसमस डे बोलते हैं उसको अंग्रेज में, तो उल्टा मनाते हैं थोड़ा उन लोग। मनाना क्या चाहिए? 22 जून मनाते क्या है? तो क्या हुआ कि छोटा होते होते दिन 24 दिसंबर तक सबसे छोटा होगा, फिर 25 दिसंबर को पहला दिन होगा जो उस छोटे से थोड़ा सा बड़ा होगा, 26 को और बड़ा होगा दिन, 27 को और बड़ा होगा, 28 को और बड़ा होगा, ऐसा फिर दिन बड़ा होता चला जाएगा। हाँ, जैसे आज की तारीख में देखा जाए तो सबसे बड़ा दिन आज है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दिन आज 21 जून को है,
कल 22 जून से दिन धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो। तो बड़ा दिन आज है ना, सबसे बड़ा दिन तो आज मनाना चाहिए। क्या सबसे बड़ा दिन है तो मनाया जाता है पक्षी जमुन को, जो सबसे छोटा दिन होता है, थोड़ा सा रखता है। खैर वो अपनी अपनी परंपराएं, उस पर किसी पर उंगली उठाना नहीं चाहते, जिसकी जैसी मर्जी अपने उत्सव मनाते हैं। हमें मुद्दे पर आना है, कपड़े को लाल वस्त्र से, जो टून कपड़ा होता है जो नारियल वगैरह बांध के रखते हैं, अगर वो हो तो ज़्यादा अच्छा है वो कपड़ा कर दे, ना हो तो जो भी लाल वस्त्र आपके पास हो वो सारा करके माँ को पूजन करके उसको प्रातःकाल उसको ढक देना है। ये कपड़ा जो आप बाद में माँ से निकालेंगे तो ये सबसे बड़ा इसका कार्य जो होता है, स्त्रियों के जो अपने स्वयं रोग होते हैं, जो स्त्री अंगों के विशेष रोग होते हैं, इनको दूर करने में ऐसी मान्यता है, दरबार की विश्वास भी है कि उससे स्वस्थ होते हैं। यही कपड़ा रख लिया, हर मासिक में जब रजस्वला होते हैं बच्चियों तो इसको थोड़ा सा काट करके, थोड़ा सा काटा, थोड़ा सा कपड़ा, और उसको जल में डाल दिया, आधा गिलास जल, पौना गिलास जल, जो भी आपको लगता है जो पीना है उस जल में डाल दिया, और उसको रखा रहा, और 10 मिनट बाद पूजा वगैरह करके माँ का जो कर लेते उस जल को उठा के पी लेना है। ऐसे उन 4 दिन में प्रतिदिन वो जल अलग अलग वस्त्र काटे, जो वस्त्र आपने पानी डाल लिया उससे जल बन गया, अब ये कपड़ा कटा हुआ अलग रखते जाएँ, कहीं जब जाए गंगा जी वगैरह बहते हुए स्वच्छ जल में इसको बाद में प्रवाहित कर देना, जल इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इसको भी कहीं इधर इधर उधर नहीं जाने देना है, ध्यान रखना। तो महिलाओं बच्चियों के लिए, स्त्री लोगों में सबसे ज़्यादा ये लाभदायक होता है, इसको ध्यान रखना, ये आपको वहाँ काम आएगा, सबसे ज़्यादा वहाँ भी काम आएगा। आपके व्यापार वगैरह आपका है, आपकी तिजोरी में छोटा सा कपड़ा लिया, उसमें कुछ अपने धन जो आपके पास है कुछ भी रख करके, सुपारी रख के साथ में, इलायची रख के, लौंग रख के साथ ही बांध के अपनी तिजोरी में डाल दीजिए, छोटा सा बस, ये भी करते हैं, वो भी आपको उसको बहुत लाभ देता है, इसको ध्यान रखना है। इस बीच में आप अपना जो 4 दिन है उनमें भजन भजन सुनिए, खूब सुनिए, सुबह शाम भजन करिए, खूब आनंद करिए। तो बाबा की आरती होती सुनिए, रुद्राभिषेक दरबार की होते देखिए, दरबार में जो कार्यक्रम वो बराबर और चलते रहें, केवल माँ का पूजन नहीं होगा दरबार में भी 4 दिन, बाकी बाबा का पूजन, बाबा की आरती, दूध के हवन, रुद्राभिषेक, और जो भी होते हैं दरबार के कार्यक्रम प्रतिदिन चलते रहेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो यही आपको मुख्य सूचना देनी थी कि माता का पूजन इन 4 दिन नहीं करना है। इन 4 दिनों में फिर एक नया सृजन होता है, एक नई शक्ति प्रस्फुटित होती है, जो पूरे विश्व के लिए माँ कल्याणकारी कार्यक्रम बनाती है और सभी स्वस्थ होते हैं। इन्हीं तमाम माँ की पूजन अर्चन से माँ को प्रसन्न करके इन तमाम आपदाओं से बचा जा सकता है, क्योंकि माँ शक्ति है, और किसकी शक्ति है तो वो शिव की शक्ति है, इन सबसे बचा जा सकता है और अपने को बचाया जा सकता है, लोगों को बचाया जा सकता है। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम को इसी अनुसार मनाएंगे, ध्यान रहे इन 4 दिन कोई दरबार के द्वारा किसी को कोई चिकित्सा या वन डे हवन, इन 4 दिन, ये 4 दिन नहीं होंगे, 26 तारीख से फिर से वन डे शुरू होंगे, महाहवन जो दरबार के द्वारा निःशुल्क कराए जाते हैं आपके परिवार के असाध रोगी सदस्यों के लिए, वो शुरू होंगे जैसे होते थे, पूर्व कार्यक्रम जैसे चल रहा था 26 जून से, यानी आज से 4 दिन बाद शुरू होगा। तो आप सभी लोग सूचना ग्रहण करके इसके अनुसार ही अपना अपना कार्यक्रम बनाएंगे, समय समय पर बीच में कोई ऐसा होगा तो संदेश होगा तो आपको प्रसारित किया जाएगा और बताया जाएगा, ठीक है। हरी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हरी राधा रमन हरि बोल।
जरा।